वेलकम टू माय किचन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। दोस्तों, आज हम साबूदाना के पापड़ बनाएंगे, वो भी घर पर। ये बनाने में बहुत आसान है, बिल्कुल बाजार की तरह टेस्टी और क्रिस्पी। आप इसे दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर स्नैक्स की तरह इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, है ना कितना क्रिस्पी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। साबूदाना पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले एक कप साबूदाना को अच्छे से धो लेंगे, जब तक इसका पानी क्लियर नहीं दिखता, इस तरीके से। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसे 4 से 5 घंटे तक के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। 5 घंटे हो गए हैं, साबूदाना बहुत अच्छे से सोक हो चुका है, ये देखिए। एक बात का ध्यान रखें, आप इस पापड़ को बनाने के लिए बड़े वाले साबूदाना का इस्तेमाल करें। अब एक छन्नी की मदद से पानी को अलग कर लेंगे और इसे कढ़ाई या फिर पतीले में ट्रांसफर कर देंगे। साथ ही डालेंगे 4 कप पानी। हमने 1 कप साबूदाना लिया था, मेजरमेंट का ध्यान रखें पापड़ बनाते वक्त। और डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब डालेंगे 2 छोटा चम्मच जीरा और 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, जिसे मैंने घर पर ही बनाया था। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च ना डालें, आप प्लेन पापड़ भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम अभी मीडियम पर ही रखें, हल्का सा बॉयल आ जाए तो गैस का फ्लेम लो कर दें और हमें इसे अब 20 से 25 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि साबूदाना हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। आप इसे हाथों में लेके प्रेस करके भी देख सकते हैं ये कुक हुआ है कि नहीं। साबूदाना को इस तरीके से पतला रखना है, याद रखें ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाता है। अब इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। मैंने एक कपड़े पर प्लास्टिक डाला है अपनी बालकनी पे, यहाँ पे डायरेक्ट धूप आता है। अब इस पर एक एक बार क्वांटिटी लेकर इस तरीके से पापड़ बना लेंगे। आप साबूदाना की थिकनेस यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैटर अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो प्लास्टिक जल सकता है, इसलिए बैटर को हल्का सा आपको ठंडा कर लेना है। कोशिश करें कि आप पापड़ को धूप में ही बनाएं, इससे पापड़ बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और क्रिस्पी भी बहुत बनता है। ज़्यादा मोटा ना बनाएं इसे, इस तरीके से हमें इसे फैलाते हुए जाना है। सारे पापड़ बन गए हैं, अब इसे एक पूरा दिन धूप में ड्राई होने दें। दूसरे दिन अब हम इसे प्लास्टिक से अलग कर लेंगे और इसे एक प्लेट पर उल्टा रखकर फिर से एक दिन धूप में ड्राई कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे से अब भी थोड़ा सा गीला है। 2 दिन हो गए हैं इस पापड़ को, ये बहुत अच्छी तरीके से धूप में सूख चुका है। अगर आपको लगे कि ये अब भी नहीं सूखा है तो आप 1 दिन के लिए फिर इसे धूप में दे सकते हैं। अब इसे फ्राई करने की बारी। तेल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म करना है, वरना ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। देखिए साइज में ये डबल हो गया है हमारा पापड़। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी और इसे फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें।